नमस्ते, मैं राजेश स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेडिस्टार पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली इसके बीज के बारे में, देखेंगे जो है इसके बीज का कारण, लक्षण, यहां तक कि जो है आपको कुछ टिप्स दी जाएगी जो कि आप घरेलू उपाय कर सकते हैं, और बात किया जाएगा लास्ट में एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बेसिकली इसके बीज को आप जो है रात की खुजली बोल सकते हैं या फिर खुजली की बीमारी बोल सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा गांव वगैरह में देखने को मिलती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, हम इसके कारण की बात कर लेते हैं कि किन किन कारणों से जो है इसके बीज हो जाता है। बेसिकली ऐसे एरिया में रह रहे बच्चों में या फिर मतलब बड़ों में हो जाता है इसके बीज, जहाँ पे क्या होता है साफ सफाई की कमी होती है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने घर को जो है कूड़ा बना के रखते हैं, ना तो नहाते हैं सही से ना तो कुछ, ऐसा आप देखे होंगे कई परिवारों में जो कि साफ सफाई की कमी रखते हैं। तो यह एक बेसिकली पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, पैरासाइट के द्वारा होता है। ऐसे में क्या होता है, बहुत तेज खुजली वगैरह होती है। लोग क्या करते हैं, जो भी जिनको मतलब मालूम नहीं है, जो भी प्रैक्टिशनर हैं, वो क्या करते हैं एंटी फंगल जो है क्रीम वगैरह उठाकर देते हैं, जिससे खुजली वगैरह तो कंट्रोल हो जाती है लेकिन 2-3 दिन में फिर जो है उभर जाती है। ठीक है, वो ठीक नहीं होता है। इसमें जो है पैरासाइट एंटी पैरासाइट ड्रग जो है चलाया जाएगा। सिंपल है, कुछ लक्षण की बात कर लेते हैं, जैसे कि बहुत तेज खुजली होना। इसमें जो है खुजली नॉर्मल नहीं होती है, बहुत ही सीवियर खुजली होती है। ठीक है, सिंपल है, जो दाने होते हैं खुजलाते खुजलाते दाना पड़ जाता है जगह जगह पे, गले के पास, हाथ में, पैर में। ठीक है, तो ऐसे में उसमें पानी भर जाता है। ठीक, समझ रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाना। अगर यहाँ से खुजा करके यहाँ पे कोई व्यक्ति उसी हाथ से खुजाया है तो यहाँ से यहाँ पे फैल जाता है। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से यह जो है फैल जाता है। रात में इसमें सीवियर खुजली होती है, दिन में तो कंट्रोल रहता है लेकिन रात में इतनी ज़्यादा खुजली होती है कि व्यक्ति जो है सो नहीं पाता है। ठीक, ऐसे में हम बात कर लेते हैं कुछ टिप्स, मतलब क्या क्या टिप्स दी जानी चाहिए। ऐसे में पूरी फैमिली का इलाज करवाएं, अगर किसी एक को हुआ, किसी बच्चे को हुआ है, लेकिन उसमें जो है जितने भी फैमिली में मेंबर हैं, 6 हैं 7 हैं, सबका इलाज जो है करना जरूरी होगा, वरना एक से दूसरे में वो जो है फैल सकता है। सिंपल है, पर्सनल चीजें शेयर ना करें। जिसको भी जो है इसके बीच हुआ है, उसकी जो टॉवल वगैरह है, तौलिया वगैरह, उसको किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर नहीं करना। ठीक है, सिंपल सी बात है, उसको उसी तक ही सीमित रखना है। खुजली ना करें, ऐसे में खुजली बहुत तेज होती है लेकिन आप अगर खुजाएंगे तो वो जो है और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे में कंट्रोल करने की कोशिश करें। अभी हम आगे ट्रीटमेंट वाले सेक्शन में जानेंगे कि खुजली को किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल है, साफ सफाई बरतनी ही है। ठीक, बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। यहाँ जो ट्रीटमेंट बताया जा रहा है सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, किसी भी आम आदमी के लिए नहीं है। सिंपल, इसमें एक साबुन देंगे परमेथ्रिन 1% का, आप किसी भी ब्रांड नेम से ले सकते हैं, उसमें परमेथ्रिन 1% होना चाहिए। इससे जो है व्यक्ति को नहाने के लिए बोलेंगे, दिन में एक बार नहाए या फिर 2 बार नहाए। एक टेबलेट देंगे एंटी हिस्टामाइन, सॉरी मतलब स्टेरॉइड दवा दवा देंगे बेटनिसाल, सुबह शाम दे सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें कोई एंटी फंगल दवा नहीं दी जाएगी, बल्कि एक टेबलेट आता है अल्बेंडाजोल 400 mg की। ठीक है, इसको हफ्ते में एक देना होता है, 4 हफ्ते तक दे सकते हैं। ओके, एक टेबलेट आता है मोन्टिकोब, इसमें मोन्टी लुकाट लियो सेट्रीजिन होता है, रात में एक खिलाएंगे, खुजली वगैरह कंट्रोल रहेगी, एंटी हिस्टामाइन ड्रग है, समझ रहे हो, सिंपल है। अब क्या है, जहाँ पे दाना बना रहता है, खुजाते खुजाते गड्ढा हो जाता है, फैल जाता है, तो वहाँ पे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी डेवलप हो जाता है। ऐसे में उसको ठीक करने के लिए एरिथ्रोमाइसिन 500 mg की टेबलेट सुबह शाम दे जानी चाहिए, समझ रहे हो। और क्या है, एक लोशन लिंडेन लगवाया जा सकता है सुबह शाम, नहाने के लिए परमेथ्रिन साबुन से नहाए, उसके बाद लिंडेन लोशन आता है उसको जो है लगवाए जो है सुबह शाम। ठीक है, अब क्या है, लिंडेन लगाने के एक 2 घंटे बाद जो है बेटनोवेट से जो क्रीम आती है, बीटा मेथासोन क्रीम कुंदन वगैरह होता है। ठीक है, इसको सुबह शाम अप्लाई किया जा सकता है। अब क्या है, अगर बहुत सीवियर खुजली चल रही है, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो ये भी इंजेक्शन जिसमें फेनिलमाइन है, इसको IM किया जा सकता है, जब जब जरूरत हो तब तब। ठीक है, सो यही कंप्लीट ट्रीटमेंट था इसके बीज के बारे में। फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार विजिट किए हों तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतना ही था।